टीम लावा इस बार कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहे हैं, एंड आई थिंक इस कंपाउंड से अगर उन्होंने कोई ज्यादा प्रिकॉशन नहीं लिया और निकले ओपन में, आई थिंक उनको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जा सकता है क्योंकि एक्सीजन के प्लेयर्स काफी ज्यादा स्प्रेडेड है। बट ये ग्रेनेड डॉक्टर एंड टीम लावा गोज आउट विद दैट ग्रेनेड फ्रॉम इल्यूमिनाटी। एक ग्रेनेड एंड टीम लावा की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुके हैं। वासियो इज पुशिंग, द मैन इज हियर। देखना पड़ेगा कैसा इनपुट देना चाहेंगे वासियो आज के पहले गेम में, इस इन्विटेशन सीरीज के पहले गेम में। ही इज रेडी। एक अगर ग्रेनेड यहाँ पे जाता है अंदर, आई थिंक काफी डेंजरस होने वाला है। प्लेयर बाहर आ चुके हैं, वासियो को टेक डाउन किया जाएगा। This is DV with that shotgun and King's God is ready for this fight. काफी dangerous way में यहाँ पे push कर रहे हैं, but DV काफी ज़रा low HP पे, yes, पीछे से stoner थे जो यहाँ पे push कर रहे हैं, but King's God के addiction take the kill and King's God ने team TSG army को एक बार फिर से eliminate किया। Killer will try to take one player down. He's taking the shot. Yes, he takes down one. Kino तरह को pick up किया जा चुका है। King's God ने push कर रहे हैं, but पीछे से सामने से Indro आया, and that not Indro, that was Illuminati. काफी अच्छा cover fire दिया। इंद्र को पिक ऑफ किया जाएगा। दूसरी साइड से एफयूएफ के प्लेयर, दिस इज आयुष, जो पैराफेरल का इस्तेमाल कर रहे हैं जोन के बाहर से। एक्सीजेड इनटू अ बिग डेंजर। इंद्रो भी जोन के बाहर ही है। आई थिंक टोटल गेमिंग के प्लेयर्स विल समहाउ मैनेज टू गेट सेकंड पोजीशन। यस, सेकंड पोजीशन तक मैनेज कर चुके हैं। अज्जू भाई आ चुके हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक अज्जू भाई विल शो हिज एक्सपीरियंस। बट अमित ने यहाँ पे अज्जू भाई को पिक ऑफ किया, जस्ट मिस्ड इट बाय एन इंच। माफिया वाला पिकअप हो चुके हैं। फौजी अजय भी बचे हुए यहाँ पे, एंड फौजी अजय दूसरे साइड से पिकअप किए जाएंगे। यस, दिस वाज सिमर जो ड्रैगनोव के साथ किल सिक्योर करेंगे, एंड एफयूएफ की टीम पहला मैच जीत चुके हैं। एंड नाउ द फ्लड गेट्स हैव ओपन, एंड इस वक्त देसी गेमर्स की टीम के लिए बहुत मुश्किल। एक्स मेनिया पिकअप हो चुके हैं, दो ही प्लेयर्स बचे हुए, दैट इज अमित भाई एंड प्रियम। क्या अमित भाई यहाँ पे क्लच कर पाएंगे अपनी टीम के, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। ही इज टेकिंग द शॉट, एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, बट काफी ज्यादा यू नो रेंजेस पे खेल रहे हैं, डेंजरस हो सकता है, बट आई डोंट थिंक टीजर्ड आर्मी उनको मौका देने वाला है। यस Yes, yes, Aaron, the hero, the star for TZ Army. उन्होंने फिर से एक और बार शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। सोनर काफी मुश्किल स्टेज में है, एंड एक और शॉट, आई थिंक सोनर नॉकआउट हो सकते हैं। Yes, सोनर को पिकअप किया जा चुका है। TSG टीम इनटू अ बिग बिग ट्रबल। फूफू ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स शानदार तरीके से किल सिक्योर कर रहे हैं। ऋतिक अकेले बचे हुए हैं, कैन ही गेट डाउन एंड एंटर इनटू द जोन, एंड अकेले प्लेयर बचे हुए थे, एंड एक्सीजेड के प्लेयर को खत्म किया जा चुका है। वंस अगेन विद दैट ग्रेनेड लॉन्चर FUF फूफू ईस्पोर्ट्स, दे आर लुकिंग क्रेजी। यस, अकेले लौते प्लेयर ऋतिक को खत्म किया, एंड फूफू ईस्पोर्ट्स कंसेक्यूटिव वुयास निकाल चुके हैं। वहां पे उन्होंने गन निकाला एंड फाइट के लिए रेडी हो चुके, बट वासियो इज ऑन फायर। वो यहां पे फाइट बैक कर रहे हैं। एक्स मेनिया यहां पे नो फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे, बट TSG की टीम क्या यहां पे एलिमिनेट कर पाएंगे। यस, TSG की टीम एलिमिनेट करेंगे यहां पे देसी आर्मी की टीम। टीम लावा के प्लेयर जोन के अंदर स्नीक पिक कर रहे हैं, बट आई थिंक काफी इजी होगा उनके लिए स्नीक पिक करना, क्योंकि दोनों टीम्स यहाँ फाइट करने में व्यस्त हैं, एंड त्यागी भी अपना पोजीशन रिवील नहीं कर रहे हैं, करना चाहेंगे टूवर्ड्स टीम लावा, जिनके पास एक इजी एंगल आ सकता है। बट विद दैट ग्रेनेड वंस अगेन DADD ब्रैगर एंड प्रिंस सिंह, इसी के साथ DAD की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम लावा के सागर कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ से, एक्सीजेड के प्लेयर्स पुश कर चुके हैं, काफी मुश्किल होगा, बट सागर समहाउ मैनेजेस टू नो क्लच इट। बट सागर को पिक ऑफ किया जाएगा काफी इजीली संदीप गेमर्स, एंड सागर के लिए अक्षय के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम एक्सीजेड पुश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिवाइव देने का मौका नहीं देना चाहिए। अक्षय अकेले बचे हुए हैं, इट इज अ 1v3 सिचुएशन फॉर हिम, एंड काफी आसानी से एक्सीजेड डज इट अगेन फॉर हिज टीम। एंड मिस्टर JYT, इंद्रो, निवेश एंड गिनोत्रा फिर से एक और शानदार काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। अभी जस्ट कुछ मैच पहले, पिछले मैच में ही उन्होंने पछाड़ा है FUF ने टोटल गेमिंग को, तो FUF के किंग अमित को पिकअप किया जाएगा। पुश कर रहे हैं, नाउ टोटल गेमिंग इज गोइंग योलो, बट माफिया बाला को पिकअप किया जा चुका है। सिमर क्लचेस इट फॉर हिज टीम, एंड काफी बेहतरीन तरीके से FUF की टीम ने यहाँ पे एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखने की जरूरत है। निवेश ने एक और इंपॉर्टेंट नॉकआउट यहाँ पे निकाल दिया है, एंड ABCTN के ऊपर शॉट्स कंटिन्यूअसली पुट अप किए जा रहे हैं बाय गिनोत्रा, बट क्या यहाँ पे निकाल पाएंगे ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स। यस, इंद्र को पिक ऑफ किया। ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ पे मौका दे दिया XYZ को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्रेनेड यहाँ पे पुल आउट करने वाले हैं, बट रिवाइवल यहाँ पे आ चुका है। लुक एट द वे दीस प्लेयर्स आर रशिंग इन टुवर्ड्स ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स। एक ग्रेनेड यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका है, गिनोत्रा ने त्यागी को पिक ऑफ किया। ये ग्रेनेड डेंजरस होने वाला है, जोन आ चुका है, काफी मुश्किल होगा ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स के लिए अभी फाइट बैक करना, क्योंकि उन्होंने क्रॉस करने का मौका दे दिया। ब्लू वॉल डाल के जिस तरीके से उन्होंने पुश किया, दैट इज कमेंडेबल। ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स अतुल को पिक ऑफ किया जा चुका है, एंड अभी यहाँ पे ऑप्टिमम ईस्पोर्ट्स के लिए कोई भी चांस नहीं होगा, क्योंकि XYZ को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया, एंड वो अपॉर्चुनिटी का फायदा बिल्कुल से वो उठाना चाहेंगे, एंड सामने यहाँ पे अभी भी नॉकआउट निकाला, दैट इज TZ आर्मी फॉर यू।
रामी भी अपने आप को टॉप 5 में मेंटेन रख रहे हैं, बट एरी ने यहाँ पे THC क्रिप्टर्स को पिक ऑफ करना चालू कर दिया। क्या लगता है, क्या लगता है आपको? प्रेडिक्शंस आपके चालू कर दीजिए, कौन सी टीम लेके जाएगी। बट तीनों तरफ का मिस्टर जय वाइटी गेट्स डाउन एंड इट्स अ टाइम फॉर जीरो रामी। नाउ जीरो रामी क्या यहाँ पे निकाल पाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एफयूएफ के प्लेयर्स, कैन दे डू इट, कैन दे गेट अ थर्ड बूया फॉर दिस? ओके, दे हैव डन इट। एफयूएफ की टीम, फूफू ई-स्पोर्ट्स हैव डन इट। 3 बूयास आज के दिन का, व्हाट अ परफॉर्मेंस। साथियों पुश कर रहे हैं एंड ऑलरेडी यहां पे जंप शॉट लेने की कोशिश किया, डैमेज दिया है उन्होंने। मिस्टर जेवाइट को पिक ऑफ किया, लुक एट द वे द क्रिएटिविटी वासियों ने यहां पे क्रिएट किया, जंप शॉट का इस्तेमाल किया ग्लू वॉल के ऊपर से एंड इंद्र को पिक ऑफ करेंगे एंड ग्लू वॉल जरूर डिप्लॉय करेंगे। बट क्या एलीट्स यहां पे एलिमिनेट करेंगे एफयूएफ को? एक और ग्रेनेड यहां फेंका गया है, आई थिंक यहां पे फुल कैप्चर आउट होंगे एंड एक ही ग्रेनेड से यहां पे आइकॉनिक ने सिमर को पिक ऑफ कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, ग्लू वॉल से अपने ही एरिया ब्लॉक कर दिया उन्होंने, उनको किल्स नहीं देते हो, इट इज गुड। एंड बट यहां पे THC की टीम वर्सेस टीम केओएस हो चुका, स्टोन को पिक ऑफ किया जा चुका है, रेतिक कैन ही डू इट? कुनाल जुने को पिक ऑफ करके विद दैट MP40, वासियो स्टिल अलाइव, प्रथम पीछे से यू नो बैन लेके आ रहे हैं, ग्रेनेड उनके हाथ में है, बट इंपॉर्टेंट होगा क्या यहां पे टेकन करेंगे। बट वासियो को पिक ऑफ किया जाएगा विद दैट शॉटगन, काफी ज्यादा लीथल साबित हो जाता है शॉटगन क्लोज रेंज में। बट सामने देखते हैं कुछ करेंगे विद दैट MP40, प्रथम विद दैट ग्रोजा क्या यहां पे क्लच कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि THG की टीम यहां पे जरूर विजय हासिल करेंगे। जोन के बाहर ही अपने आप को यू नो सैक्रिफाइस करना पड़ा क्योंकि टीम एंड प्लेयर्स वेट आउट कर रहे थे एंड VSS के साथ शॉट लेने की कोशिश करेंगे। बट अनसिंग अकेले बचे हुए थे, पीक नहीं करना चाहता वहां पे क्योंकि उनका HP बहुत कम था, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी करने के लिए कोई भी टीम नहीं है, पूरा ये छोटा सा जोन उनके पास है। बट ऑप्टिमम ई-स्पोर्ट्स के चागी ओपन में फ्लैंक करने की कोशिश, आई थिंक काफी खराब आइडिया था। बट रितिक को स्पॉट किया जा चुका है, रितिक को पिक ऑफ किया जाएगा एंड फिर से ऑप्टिमम ई-स्पोर्ट्स, उनके पास जोन नहीं है, लेजेंड एंड स्टोनर के पास जोन है, वो पिक ऑफ कर सकते काफी आसानी से। यस, वो पिक ऑफ कर रहे हैं एक के बाद एक प्लेयर, VSS काफी ज्यादा लीथल साबित होते हुए एंड THG आर्मी विल शट इट डाउन एंड गेट द बूया। आज के आखिरी मैच में THG आर्मी गेट्स द विन, वासियो स्टोनर लेजेंड एंड रितिक विंस इट फॉर हिज टीम। बूया निकाल चुके हैं, काफी शानदार तरीके से उन्होंने एंड अप किया है।